आईपीएल 2025 का ऑक्शन फिलहाल समाप्त हो चुका है और आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा कीमत वाला खिलाड़ी जो कि है वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को लखनऊ की टीम ने इस बार आईपीएल के इतिहास में 27 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों लिस्ट में नंबर एक पर शामिल हो गए हैं। ऋषभ पंत के बाद में इस लिस्ट में नंबर दो पर आते हैं केएल राहुल। जी हाँ, केएल राहुल को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में अपनी टीम में इस साल शामिल किया है। लेकिन हम इस वीडियो में ऋषभ पंत के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करें तो ऋषभ पंत को 2025 के आईपीएल में लखनऊ की टीम ने अपनी टीम में एज ए कप्तान के रूप में जोड़ा है। लेकिन इससे पहले ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल के लिए खेला करते थे। ऋषभ पंत के बारे में अगर बात करें तो ऋषभ पंत आईपीएल में 2016 से लेकर 2024 तक यानी कि कुल 9 साल तक दिल्ली कैपिटल की टीम से खेले हैं। और इसके साथ साथ ही ऋषभ पंत भी दिल्ली की टीम से ही बिलोंग करते हैं और दिल्ली के ही स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, जिस वजह से ऋषभ पंत का दिल्ली की टीम के साथ में एक बहुत ही अद्भुत रिश्ता बना हुआ है। लेकिन अब फाइनली 9 सालों के बाद में ऋषभ पंत और दिल्ली का यह रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत को इस बार 27 करोड़ में लखनऊ की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है। ऋषभ पंत के दिल्ली की टीम से जाने के बाद में ऋषभ पंत के साथ साथ दिल्ली की टीम के सह मालिक पार्थ जिंदल भी बहुत ही भावुक दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ पंत के दिल्ली की टीम में शामिल होने के बाद में पार्थ जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल में एक टिप्पणी लिखी, जिसमें पार्थ जिंदल ने लिखा कि ऋषभ पंत दिल्ली की टीम का एक बहुत ही अद्भुत सदस्य हैं। साथ ही पार्थ जिंदल ने लिखा कि ऋषभ पंत और दिल्ली का यह रिश्ता 9 सालों से बना हुआ है और हम आगे भी चाहेंगे कि ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में एक बार फिर से कुछ सालों के बाद वापसी कर सकें। इस तरह की भावपूर्वक टिप्पणी को देखते हुए यह साफ दिखाई दे रहे हैं कि पार्थ जिंदल ऋषभ पंत को लेकर बहुत ही भावुक हो रखे हैं। और साथ ही साथ यह बात भी बिल्कुल तय है कि अगर आने वाले सालों में लखनऊ की टीम ऋषभ पंत को रिलीज करती है तो दिल्ली की टीम निश्चित ही ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस साल भी दिल्ली कैपिटल ने ऋषभ पंत को नहीं छोड़ा है, बल्कि ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल की टीम को छोड़ा है। तो इसके बाद अब दिल्ली की टीम ने केएल राहुल को अपनी टीम में कप्तान के रूप में जोड़ लिया है। साथ ही साथ दिल्ली की टीम ने इस साल अपनी टीम में बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप को चुना है। दिल्ली की टीम की बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात करें तो जहां पर दिल्ली की टीम में पहले बॉलिंग के रूप में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार शामिल थे, लेकिन अब दिल्ली की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मोहित शर्मा और साथ ही साथ दुश्मंथा चरिमा को भी शामिल कर लिया है। और इतने ही बैटिंग ने भी दिल्ली की टीम ने बहुत ही अच्छे प्लेयरों को अपनी टीम में जोड़ा है, जिनके बारे में अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप में केएल राहुल, समीर रिजवी, फाफ डुप्लेसिस और साथ ही साथ हेनरी ब्रुक्स को इस बार अपनी टीम में शामिल किया है। और इतने ही नहीं, दिल्ली की टीम ने इस बार ऑलराउंडर में आशुतोष शर्मा को अपनी टीम में शामिल किया है, जिन्होंने पिछली बार पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो इस तरह 2025 के लिए दिल्ली की टीम परफेक्ट 11 के लिए दिखती है। तो आपकी भी दिल्ली की टीम के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।